नमस्ते, मैं डॉक्टर मनोज पिसाल, प्योर आयुर्वेद एंड पंचकर्मा प्रैक्टिशनर इन पुणे। आज हम आंवला और उसके उपयोग, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अभी ये आंवला, इसको आयुर्वेद ने अमल के नाम से पुकारा है। तो ये अमल की क्या करता है? अमल की रसायन नाम का कर्म करता है। रसायन मतलब क्या? बुढ़ापा जल्द से जल्द ना आए, तारुण्य अवस्था टिकी रहे। मतलब ये कैसे हो जाता है? अभी अभी रिसर्च हो गया है कि आंवला में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ही रहती है। इस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से हमारा तारुण्य बहुत ही टिकता है, बहुत ही अच्छा उसका टाइम मिलता है। तो हम आंवला का सेवन करेंगे तो हमें बुढ़ापन जल्द से जल्द ना आ जाए। दूसरा जो है, हमारे तीन दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इसमें से बैलेंस, इम्बैलेंस जो होना है तो उसको, इम्बैलेंस का बैलेंस करना आंवला बहुत ही अच्छे तरह से काम करता है। उसमें से पित्त दोष का जो दोष होता है उसमें आंवला का बहुत ही बढ़िया काम हो जाता है। मतलब जिसको एसिडिटी है, हेडेक है, सिर दर्द है, उल्टी जैसा महसूस होता है, सिर गर्म होता है, उन्होंने हर रोज सुबह सुबह फ्रेश आंवला का जूस लेंगे तो इसका इतना बढ़िया उपयोग हो जाता है कि ये सब पित्त की बीमारी ऐसा ऐसा निकल जाती है। दूसरा जो है, हम आंवला का जूस लेंगे तो आंवला का जूस से हमारा जो बाल होते हैं वो बाल झड़ने से कम हो जाते हैं। जो ज्यादा से ज्यादा सफेद होते हैं वो सफेद होने की प्रोसीजर रुक जाती है। तो इसका भी काम हमें बालों के ऊपर होता है। आंवला का जूस हम डायरेक्टली केस के बालों के ऊपर लगाएंगे तो डैंड्रफ की जो समस्या हमें सताती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। तीसरा, आंवला का हमारा जो बोन्स होता है उसके ऊपर इतना बढ़िया काम हो जाता है। हम हर रोज आंवले का हर रोज सेवन करेंगे तो हमारा बोन्स अच्छा काम कर देता है। मतलब आयुर्वेद ने अस्थि मज्जा पाचक नाम का एक योग बताया है, उसमें आंवला का चूर्ण का समावेश किया है। और एक त्रिपाला नाम का चूर्ण होता है, उसमें आंवला होता है, हरित के होता है, विभिदी के होता है। जिसका जिसका वेट बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, उन्होंने हर रोज एवरीडे आप एम्प्टी स्टमक आंवले का जूस लेंगे या त्रिपाला चूर्ण लेंगे तो इसका भी हमें अच्छा फायदा मिल जाता है। जिसको नींद नहीं आती, बहुत लोगों को नींद की समस्या होती है, उन्होंने रात को आंवला का चूर्ण करके वो मिश्री के साथ या शक्कर के साथ रात को सोते समय लेंगे तो इसका भी हमें अच्छा फायदा मिल जाता है। आंवला में विटामिन सी बहुत ही मात्रा में होता है। तो विटामिन सी से क्या होता है, हमारा जो दांत होता है, दांतों के, दांत की जो 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 समस्या होती है तो आंवला खाने की वजह से वो हमारे दांत की समस्या भी मिट जाती है। बहुत से लेडीज को इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, पीरियड्स के दौरान बहुत ही तकलीफ हो जाते हैं, मुहासे आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, बाल झड़ते हैं, तो उनमें भी सुबह सुबह आंवले का जूस लेंगे तो इससे भी हमें अच्छा फायदा मिल जाता है। तो आंवला हर रोज लेने की ले सकते हैं, इसमें कोई मतलब हर रोज लेंगे तो आगे जाके कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं होने वाली है। आंवला जब आपको फ्रेश आंवला मिलता है तो आंवला का जूस भी कर सकते हैं। जिसको कभी कभी आंवला का जूस नहीं मिल पाता तो हम आंवला का चूर्ण लेके आएंगे, या आंवले से मुरावड़ा बनता है, चौनपाश बनता है, आंवले की चटनी भी बनती है तो वो भी हम खाएंगे तो उसका भी हमें अच्छा फायदा मिल जाता है। बहुत लोगों से एनर्जेटिक फील नहीं होता, डेली का काम जो होता है उसमें थकान महसूस होती है, आलस्य होता है, सोने का मन करता है, इन लोगों ने थोड़ा सा आंवला का जूस लेके सुबह सुबह थोड़ा सा हल्का सा एक्सरसाइज करेंगे तो बिल्कुल आपकी थकान कम से मतलब बहुत कम दिनों में थकान जाके आपको एनर्जेटिक लगेगा। इतने सारे फायदे आयुर्वेद ने आंवले के बताए हैं, मतलब ऐसा कोई बीमारी नहीं है इसमें हम आंवला का साथ कौन सा दूसरा पाउडर मिक्स करके यूज नहीं कर सकते। तो आंवला सभी व्याधि में हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो वैद्य की सलाह से हम उसका उपयोग कर देंगे। आप खाली सुबह अच्छे पेट से आप सुबह सुबह आंवला का जूस लेंगे, आंवले के बाय प्रोडक्ट्स लेंगे तो आपको कोई डिसएडवांटेज नहीं हो जाएगा। तो आप आंवला का जूस, आंवला का सेवन जरूर करके देख लीजिए। धन्यवाद।